सो हेलो गाइस, तो मैंने कुछ ऐसा चैलेंज लेकर रखा हूँ जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है, एंड वो हमारा M2 है। M2 का वेपन ग्लू जो कि हमें को इंडिया में टॉप 100 के अंदर आना है, एंड ये चैलेंज तो मुश्किल लग ही रहा था, लेकिन उसके बाद एक और चैलेंज टफी हो जाता है। और हाँ, मैंने उस चैलेंज को बुलाया नहीं था, वो अपने आप आया था, क्योंकि जब संडे की रात में 11:30 बजे अपना वेपन ग्लोरी देखता हूँ तो मेरे को और दिल्ली के अंदर आने के लिए बस 200 या 300 प्लस चाहिए थे, एंड उसके बीच ही मेरे को बस आधे घंटे टाइम था, एंड मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कब रिफ्रेश होता है वेपन ग्लोरी, एंड बस मैं 12 बजे लेके चल रहा था, जो कि 12 बजने में बस आधे घंटे बाकी थे, एंड मेरे को समथिंग 300 प्लस चाहिए थे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो ये तो चैलेंज कुछ ज्यादा टफ होने वाला था, वो तो वीडियो में पता चल जाने वाला है, एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट मैच होने वाला है। मैंने पिछले वाले वीडियो में काफी अच्छा खासा ग्लोरी पुश कर लिया था, जो कि मेरा 5000 मतलब 6000 होने वाला था, एंड अभी के टाइम पे मेरे को चाहिए 7000 8000 मिनट चाहिए, तब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा दिल्ली के टॉप 100 के अंदर। यार वो सब छोड़ो, यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं मैच की तरफ, जो कि लास्ट जोन आ गया था, एंड डुओ था तो काफी ज्यादा बंदे आ गए थे, एंड यहाँ पे मेरा 2 शायद से किल M2 से हो गया था, एंड लास्ट जोन चल रहा था और मेरे को 1 या 2 किल करना पड़ेगा, क्योंकि 4 किल या 3 किल में मेरे को 100 मिलता है। लेकिन हाँ, M2 से काफी डैमेज में प्लेयर को दे दिया था, एंड मेरा फ्रेंड पे रस किया और फटाफट पीछे जाना पड़ेगा मेरे को, इधर बहुत सारे बंदे थे, तो अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बंदे मेरे पे रस कर दिया था, एंड लिटरली यहाँ पे मरने वाला था, बट इधर तो पता नहीं किस किस साइड से बंदे आ चुके थे, तो अभी तो मैं यहाँ पे M10 लेके एंड प्लेयर को डैमेज देना चाहता कि M10 से डैमेज दूंगा एंड M2 से मारूंगा, लेकिन यहाँ पे वैसा हुआ नहीं। डैमेज तो दिया, उससे पहले मेरे पे थर्ड पार्टी होने लगे एंड मेरा फ्रेंड को डाउन भी कर दिया। डाउन करते ही बस मैं लास्ट प्लेयर बाकी रह गया हूँ, एंड यहाँ पे आई डोंट नो क्या होने वाला है, और ग्लू सब वगैरह सब टूट रहा है, तो मैं अंदर फटाफट आया था, एंड यहाँ से मैं वेट करने वाला हूँ, अगर प्लेयर आएगा तो मारूंगा। और राइट साइड बंदे हैं और बहुत सारे बंदे हैं, तो अभी तो राइट साइड वाले बंदे को देखता हूँ, एंड भाई पैर में मारना चाहता हूँ लेकिन लगा ही नहीं, अब दूसरे बार मारना चाहा लेकिन एम सेट हुआ बट कुछ फायदा नहीं हुआ, वो डाउन हुआ था, एंड यहाँ पे मैं ग्लूवल तोड़ने की कोशिश कर रहा था बट ऐसा हुआ ही नहीं, लेफ्ट साइड बंदे थे और वो इसको डैमेज लगा, बट फिर दोबारा से जाता हूँ एंड शॉटगन से चाहता हूँ मारने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बंदे नहीं थे और फटाफट मैं पीछे आता हूँ, क्योंकि बंदे आई डोंट नो किस किस साइड थे एंड बहुत सारे बंदे थे, एंड मेरे को सर्वाइव करना था, एंड मैंने काफी डैमेज दिए थे M2 से, फिर मेरा 2 ही किला, अब ये देखना है मेरा प्लस होता है नहीं। अब इसके बाद लास्ट जोन आ गया था एंड मेरे को सामने जाना पड़ा, और पता नहीं कितने डुओ यहाँ पे है जो कि मेरे को लगता है पीछे से आएगा एंड आ भी गया, मेरे को डैमेज दिया बट कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरे को यहाँ पे डैमेज दिया, फिनिश ही कर दिया और दूसरा प्लेयर ने इसको मार दिया। अब यहाँ पे देखना है मेरे को प्लस मिलता है नहीं, एंड ओ आई फाइनली मेरे यहाँ पे 100 का मिल जाता, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था कि 100 का मिलेगा, एंड यहाँ पे टॉप 4 पे 100 का मेरा मिल जाता है। अब नॉनस्टॉप 4 से 5 मैच खेलने के बाद मेरा यहाँ पे आप चेकआउट करता हूँ कितना मेरा स्कोर अभी तक हुआ है, एंड 5700 से हमारे यहाँ पे 6000 स्क्वायर भी हो जाता, लेकिन ये बहुत कम था, एंड इसके बाद फटाफट मैच फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। अब इस वाले मैच में तो एक प्लेयर सामने था एंड डैमेज देना चाह रहा था और उसको काफी डैमेज भी दिया था, लेकिन लास्ट शॉट देना था एंड फाइनली फिनिश हो गया, लास्ट बंदी बाकी थे लेकिन मेरे को पीछे से काफी डैमेज दे दिया, लिटरली यहाँ पे स्कालर भी यूज किया था बट मेरा फ्रेंड मेरे को कवर दिया, जिस कारण मैं यहाँ पे बच, मेरा फ्रेंड तो उस पर रस कर रहा था, जो कि मेरा फ्रेंड पे वो दोनों रस कर दिया, एंड एक को शॉट देना चाहा, शॉट लगा भी लेकिन दूसरे शॉट में पता नहीं वो गिली चला है पता नहीं, एंड उसको डाउन हो जाना था लेकिन अभी तक डाउन नहीं हुआ है, एंड वो सब प्लेयर पता नहीं क्या कर रहा था, सामने गाड़ी भी था लेकिन उसको डैमेज दिया फिर से, और वो सब गाड़ी पे बैठ जाया करता था लेकिन यहाँ पे उसका गाड़ी भी चलाने को किया, एंड मेरा फ्रेंड भी चला रहा था लेकिन मैं भी चला रहा था, एंड मेरे को लगा मेरे पे रस करेगा, एक प्लेयर को मेरा फ्रेंड ने डाउन कर दिया एंड एक प्लेयर ऐसे निकल गया, हाँ मेरे को गाड़ी जला देना था लेकिन गाड़ी जला ही नहीं पाया था, एंड ऊपर के साइड दोनों के दोनों बंदे भग गए, हम जोन से निकल ही रहे थे लेकिन उससे पहले मेरा फ्रेंड ने एक पे रस कर दिया, एंड मैं थोड़ा सा दूर से फाइट लेने वाला हूं, जैसे कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड वो रस करेगा एंड मैं मारूं, वही सोच के यहाँ बैठ ही रहा था लेकिन एक प्लेयर उधर से और आ गया फाइट लेने को, अब यहाँ पे तो फाइट वो ले ही रहा था, उसका गाड़ी में फटाफट जला देता हूँ एंड काफी डैमेज देकर जला भी दिया था गाड़ी, एंड वो रस कर दिया मेरा फ्रेंड पे, मेरा फ्रेंड को तो वो डाउन कर दिया लेकिन मैं एक शॉट देके उसको डाउन कर दिया, अब जल्दी से उसको फिनिश लेना चाहता हूँ लेकिन ऊपर से एक प्लेयर और आया था, अपना फ्रेंड को जल्दी से बचा भी लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरा किल भी फिनिश हो जाता है, एक ही प्लेयर था सामने एंड इसको शॉट दिया, एक शॉट में डाउन हो गया, फटाफट इसको फिनिश लेता हूँ, एंड इस वाले मैच में हमारा M2 से 3 किल हो गया था, तो जिसके कारण मेरा 100 मिलेगा नहीं वो तो पता नहीं, एंड एक प्लेयर और सामने से आ गया था, अब इस प्लेयर को मैं डैमेज देना चाहता हूँ काफी ज्यादा, जैसे कि सामने था एंड एक शॉट दिया लेकिन वो नहीं लगा, एंड यहाँ पे दोबारा से मारना चाहता हूँ, एंड ये वाला शॉट लगा कि मोको कारण से मेरे को पता चलता भाई हाँ इसको डैमेज लगा या ना लगा, एंड फिर से शॉट देना चाहता हूँ, एंड भाई डैमेज तो दे रहा था बहुत ज़्यादा लेकिन यहाँ पे मेरा किल होगा, एंड फाइनली मेरे यहाँ पे किल तो हो जाता है, अब किल होने के बाद मैं राइट साइड देखता हूँ क्योंकि दोनों बंदे उधर थे एंड दो बंदे थे जो कि एक को शॉट दिया, काफ़ी शॉट दिया एंड दूसरे शॉट में पता नहीं डाउन हुआ ही नहीं है, एंड इसमें ये गिलीज बहुत ही बुरा लगता है मेरे को, एंड एक शॉट से एक डाउन कर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे प्लेयर है, एंड मेरा फ्रेंड तुरंत चलाया था रस करने के लिए और मैं तो यहाँ पे दूर से कवर देने वाला था लेकिन यहाँ मेरा फ्रेंड को डाउन भी कर दिया, अब डाउन करते मैं यहाँ पे डैमेज तो दिया प्लेयर को लेकिन गिलीज के कारण से पता नहीं क्या हो रहा था, एंड मेरा यहाँ पे स्नाइपर कैमो खत्म हो गया था, तो फटाफट मैं खरीद लेता हूँ एंड माना था
बट वो दो प्लेयर थे एंड मेरे पे बहुत ही गंदा वाला रश करने लगा। एंड यहाँ पे मैं शॉट तो दे रहा था प्लेयर को, लेकिन उससे पहले मेरे पे रश कर दिया। यहाँ पे मेरा M82 के ग्लिच के कारण से कुछ हुआ नहीं एंड डैमेज तो दिया बट कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे मर जाता हूँ। अब चेकआउट करने के बाद मेरे को पता चलेगा कितना मेरे को मिला एंड चेकआउट करने के बाद फाइनली मेरे को पता चल जाता है कि मेरा M82 का 100 का वेपन ग्लोरी मिल जाता है एंड साथ ही साथ हमारा 6300 का वेपन ग्लोरी स्कोर हो जाता है एंड बहुत जल्दी मैं दिल्ली के अंदर भी आने वाला हूँ। फाइनली वो संडे की रात आ जाती है जिसमें कि मेरा यहाँ पे स्क्वायर तो काफी अच्छा खासा हो गया था एंड अभी तो फिलहाल के लिए चेकआउट कर आता हूँ कि कितना मेरा स्कोर हो गया था M82 में। और फाइनली मेरे यहाँ पे 7600 स्कोर हो गया था एंड दिल्ली के अंदर मेरे को आने के लिए 7800 मतलब 900 चाहिए थे समथिंग एंड उसके अंदर आ जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे टारगेट रखा हूँ 8000 रहूंगा तो भी मैं आ पाऊंगा क्योंकि बढ़ सकता है भाई। एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 10:30 हो रहा है एंड अभी तो फिलहाल के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि भाई बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो देखो। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि मेरे यहाँ पे 7600 स्कोर जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था एंड 11 भी बज गया था, तो 11 बजने के बाद बस एक ही घंटा बाकी है और 300 प्लस करना है मेरे को, जो कि थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड आप लोग को अगर आसान लगा तो गाइस आप लोग एक बार ट्राई कर लेना कि एक घंटे के अंदर आप लोग को 300-400 प्लस करना है। हाँ, कभी कभी हो जाता है लेकिन जब आप चाहोगे उस टाइम तो कभी भी नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल गेम जाता है। एंड यहाँ पे तो मैं काफी अच्छा फाइट ले रहा हूँ जो कि स्क्वाड है एंड स्क्वाड में से एक प्लेयर सामने था और जल्दी से एक शॉट देने के बाद यहाँ पे मैं एमपी पूरी डैमेज देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को डैमेज देके एंड वो बंदा पता नहीं मेरा इतना रिकॉल हुआ जिसके कारण मैं यहाँ पे मर गया। अब मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से कि मेरा कितना प्लस होता है एंड इसमें तो फाइनली मेरा पे 100 वेपन ग्लोरी मिल जाता है M82 का। अब जल्दी से चेकआउट करता हूँ कितना टाइम हुआ है और कितना टाइम मेरे बचा है और भाई स्क्वायर कितना हो गया मेरे, जो कि हमारे यहाँ पे 7700 स्क्वायर हो गया एंड मेरे को अभी तक चाहिए 200 और टाइम भी देख सकते हो आप लोग। थोड़ी देर बाद हमारा इतना ही गलत सीन हो गया था, एक भी गेम सही नहीं जा रहा एंड 11:30 कब हो गया था पता ही नहीं चल रहा था एंड इस वाले मैच में बहुत गलत सीन होता है, मतलब कि डाउन करा बट कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे हम ही पूरे के पूरे मर जाते हैं एंड हमारा टाइम आप देखोगे भाई आप लिटरली शॉक होने वाले हो कि 11 बजे से 11:30 बज गया एंड अभी तक मेरा 100 भी ग्लोरी प्लस नहीं हुआ। 11:25 के बाद 11:40 तक हम लोग 100 प्लस कर लिए थे, अब भाई लास्ट प्लस हम लोग को होना था, मीन्स यहाँ पे बस 18 मिनट ही बाकी है हमारे एंड हमारा बस लास्ट मतलब 100 का प्लस भाई मांगता है वरना 100 के अंदर आ ही नहीं पाऊंगा मैं। तो देख सकते हो आप लोग बस थोड़ा सा प्लस चाहिए था एंड आप लोग टाइम भी देख सकते हो हमारा 11:42 हो गया है, मतलब कि एक गेम लास्ट गेम का मेरा चांस है एंड लिटरली इसमें कुछ भी करके मेरे को 100 का अपन ग्लोरी लेना ही पड़ेगा। मैच तो स्टार्ट हो जाता है एंड हमारे यहाँ पे लास्ट जोन भी आ जाता है और टाइम भी नहीं है और मेरा यहाँ पे अभी तक एक भी किल नहीं हो पाया M82 से एंड किसी से भी नहीं हो पाया और यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी कोशिश करना चाह रहा था लेकिन भाई इतना गलत गेम जा रहा था, मैं तो यहाँ पे हार मान ही लिया था भाई कि मेरा नहीं हो पाया 100 के अंदर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन लास्ट जोन चल रहा है, आई डोंट नो क्या होगा या नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर को मैं काफी डैमेज दिया बट कुछ हुआ ही नहीं, उसके पास मॉन्स्टर ट्रक था उससे वो निकल जाता है एंड हमें भी निकलना पड़ेगा क्योंकि इधर जोन आ रहा था एंड वो सब प्लेयर हम पे ही रश करने आ रहा था आई डोंट नो एंड वो निकल गया। लिटरली रश करने आता तो शायद हम लोग मर भी सकते थे एंड यहाँ पे सामने ही प्लेयर थे जो ग्लोबल लगा था एंड ग्लोबल फोड़ने के बाद पता चला वो तो नहीं था प्लेयर एंड जल्दी से मैं निकल जाता हूँ सामने, अब सामने तो निकल गया एंड लिटरली मेरे पास टाइम भी नहीं था, जल्दी मेरे को फाइट करके एंड किल करना पड़ेगा एंड एक प्लेयर मेरा लकी बन के सामने निकलता है और उसको अगर मार दिया तो बहुत ही मजा आने वाला है एंड वो प्लेयर मेरे को देखा ही नहीं था एंड यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेडशॉट मार दिया एंड हमारा यहाँ पे सर्वाइविंग भी हो गया था तो शायद से मेरे को 100 का मिल सकता है ऐसा लग रहा था एंड एक किल अगर और हो जाए तो अब तो मजा ही आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक प्लेयर को शॉट दिया था बट वो प्लेयर को लगा या नहीं लगा वो तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मोको ऑन नहीं हुआ था एंड दोबारा से डैमेज दिया एंड इस बार लगा था फिर डैमेज दिया लेकिन उससे पहले मेरे को काफी डैमेज दे दिया था तो इसलिए मेरे को पीछे आना पड़ा एंड जोन के साइड मेरे को जाना पड़ेगा एंड एक किल अगर और हो जाएगा तो भाई मेरा 100% मेरा 100 का मिल जाएगा ऐसा लग रहा था एंड सामने ही प्लेयर थे जो कि एंड वो ड्रॉप गिराया था और एक शॉट दिया एंड लगा भी दोस्तों और यहाँ पे दूसरे शॉट में उसको डाउन कर दिया। अब इसको तो फिनिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे को, मैं अपना फ्रेंड को बोलता हूँ फिनिश करो जल्दी से, उसको कोई बचाने ना जा पाए तो उसको तो कोई अभी तक नहीं गया एंड फाइनली यहाँ पे 100 का प्लस हो जाने वाला है मेरा क्योंकि 2 किल हो गया था एंड एक प्लेयर और था जो कि सामने था और यहाँ पे मैं लॉन्चर से मारना चाहा और काफी डैमेज देना चाहा, उसके बाद नीचे आया था प्लेयर। अब इसको तो मैं फिर से डैमेज देता हूँ, मेरा फ्रेंड उस पर रश कर देने वाला है एंड यहाँ पे मैं फिर से डैमेज दिया लेकिन एक प्लेयर और आ गया था, अब वो तो मेरा फ्रेंड रश कर दिया लेकिन इसको भी मारना चाहा और आई डोंट नो यहाँ पे क्या होने वाला है, लास्ट जोन भी था और भाई टाइम भी नहीं था। तो अभी तो फिलहाल के लिए मेरा फ्रेंड डाउन हो गया, दोनों प्लेयर को शॉट तो दे लेकिन मेरा यहाँ पे एमओ ही खत्म हो जाता है तो जल्दी से MP40 से रश करना चाहा लेकिन मेरे को इधर से निकलना पड़ेगा पीछे एंड दूर से फाइट लेने में बेटर है तो फटाफट मैं सामने निकलता हूँ। अब इसके बाद मेरा एमओ खत्म हो गया तो फटाफट यहाँ पे मैं एमओ ही परचेस कर लेता हूँ क्योंकि 30 का एमओ मिल जाता है एंड 30 एमओ अभी के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट साइड वाले को मैंने देखा था एंड डैमेज भी दिया एंड वो प्लेयर पीछे भगाया पता नहीं किस साइड एंड उसको डैमेज दिया दोबारा से एंड फिर
फिर से डैमेज दिया और वो बंदा पता नहीं किस किस साइड जा रहा था। एंड यहाँ पे मैं उसको डैमेज देने के लिए क्या क्या नहीं यूज करा और वो बंदा पीछे भाग जाता है। वो दोबारा से आगे आता है एंड उसको डैमेज दिया, जो कि डैमेज देने के बाद वो गुलवन लगा लिया था एंड काफी डैमेज दे रहा था, लेकिन पीछे से इतना शॉट दिया क्या ही बोले, और जल्दी से उस प्लेयर को मारना चाह रहा था एंड वो प्लेयर रश कर देने वाला है एंड एक शॉट दिया और जल्दी से फिर से सोचता हूँ कि एक शॉट और दे दूंगा वो मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे उससे पहले मेरे पे रश कर देता है और मेरे को मार भी देता है। तो यहाँ पे तो उसको काफी मैंने डैमेज दे दिया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखना ये है प्लस होगा या मेरा माइनस होगा। एंड फाइनली मेरा 100 का वेपन ग्लोर मिल जाता है। अब चेकआउट करता हूँ क्या मेरा होता है नहीं, मतलब कि मैं 100 के अंदर आया है नहीं हूँ। लिटरली मैं 2 मिनट पहले गेम खत्म करके आ गया था 12 बजने से पहले एंड यहाँ पे मेरा 7900 स्कोर हो गया था एंड मैं 100 के अंदर भी आ गया एंड ये वाला खुशी बहुत ज्यादा मेरे को मजा आ गया क्योंकि 8000 स्क्वायर मेरा होने ही वाला था एंड यहाँ पे मैंने टॉप 100 के अंदर भी आ गया 12 बजे से पहले। संडे की रात को मैंने काफी अच्छे से गेम प्ले किया था एंड यहाँ पे मेरा 8000 स्क्वायर मैंने कर लिया था। हाँ, उसके बाद एक मैच और खेला था क्योंकि मेरा यहाँ पे रिसेट नहीं हुआ था, सोचा मैं एक मैच और खेल लूं और 8000 मैंने स्कोर कर लिया था। अब देखना ये है मेरा कितना मेरे को रैंक देता है। मैं मंडे के मॉर्निंग में जल्दी से ओपन भी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे फाइनली मेरे को 99 नंबर पे देता है 8000 स्क्वायर पे, क्योंकि M82 मेरा 99 हो गया एंड काफी सारे गन में मेरे को मिला था, लेकिन मेरा यहाँ पे M था M82 में जो कि 99 रैंक में मेरे को मिला था। अब इसके बाद हमने मंडे के दिन खेला था जो कि मेरा हर दिन का M था 1500 से 2000 स्क्वायर प्लस करना, लेकिन यहाँ पे वेपन गुल्लर मेरा मंडे के दिन में प्लस ही नहीं हो रहा था, मीन्स रात तो हो गया था लेकिन 300 भी प्लस नहीं हुआ था। फिर रात को खेला एंड काफी अच्छा सा प्लस किया, मीन्स 1000 का ही प्लस किया था एंड 8000 से 9000 भी मेरा स्क्वायर हो गया था एंड मंडे के दिन मेरा 9000 तक ही हुआ था स्क्वायर। उसके बाद वाले मैच में बहुत ही गलत सीन हो जाता है, यहाँ पे एक प्लेयर मेरे पे रश करा था एंड उस प्लेयर को मैं डैमेज तो दिया लेकिन उससे पहले एक प्लेयर और आया था। अब यहाँ पे तो इस प्लेयर को काफी मैंने डैमेज दिया शॉटगन से एंड एक शॉट देने से पहले मेरे को काफी डैमेज दे दिया दूसरा प्लेयर एंड मेरे को डाउन भी कर देता है, डाउन करने के बाद फिनिश भी दे देता है। अब फिनिश लेने के बाद मेरा फ्रेंड तो ऐसे निकलना चाहा एंड उस पर दूसरा प्लेयर रश कर दिया था। अब यहाँ पर कुछ होना नहीं है एंड इसको काफी डैमेज देकर फिनिश तो कर दिया। अब फिनिश करने के बाद देखना ये हमारा प्लस कितना होता है वेपन ग्लोरी का, जो कि इसमें तो मेरा 100 का मिल जाता है एंड काफी मैच खेलने के बाद मेरा 9400 करंट टाइम पे मेरा अभी स्क्वायर है एंड देखना है कितना देर के बाद मेरा इंडिया लग पाएगा नहीं एंड इंडिया लगेगा या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि बहुत ज्यादा टफ है एंड इम्पॉसिबल लग रहा है चैलेंज, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आई डोंट नो। एंड यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हो थैंक यू एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते अगली वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर।